क्या था कावड़, किस लिए? पिछली बार कावड़ लेके आए थे हरियाणा के भाईचारे को बचाने के लिए, अब की बार कावड़ लेके आए हैं जो हरियाणा के अंदर नौजवानों को नशे ने जकड़ लिया, नशे के खिलाफ ये कावड़ थी। और भोले के सारे भक्तों को इकट्ठा करके, सारे कावड़ियों को इकट्ठा करके हरियाणा के अंदर नशे के खिलाफ एक जंग लड़ी जाएगी, और सबके लिए, सबके भले के लिए, सबकी सद्बुद्धि के लिए भोले के दरबार में गए थे, और पूरे हरियाणा में नशे के खिलाफ एक जंग लड़ाएंगे भोले के भक्तों के साथ मिलकर, क्योंकि हरियाणा के अंदर जिस तरह नशे की घटनाएं हो रही है, अभी घटना हुई है कि एक महिला नशे की वजह से ओवरडोज लेने की वजह से मर गई। तो ये जितने भी नशे हैं, चाहे आजकल इंजेक्शन का, केमिकल दवाई का, चिट्टा, तो चिट्टे जैसे लड़के होते थे, छोरे होते थे हरियाणा के, वो चिट्टा लेने लगे हैं। तो इसको छुड़ाने के लिए हम सरकार से भी अपील करेंगे कि वो सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि हरियाणा के नौजवानों को बचाया जा सके। अच्छा, क्या विधानसभा चुनाव में भी इस चीज़ को लेकर कोई मुद्दा होगा? बिल्कुल मुद्दा होगा, हमारे लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है ये, क्योंकि नशे के खिलाफ ये मुद्दा है। और हम नौजवानों को अभी, क्योंकि शहीद स्मारक है यहाँ पे, जो उस पर भी जाएंगे स्वतंत्रता सेना, नौजवानों को याद दिलाएंगे यार जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए या देश के लिए बाद में बलिदान दिया है, तो उनको ये उम्मीद नहीं है कि हरियाणा के नौजवान नशा करें। हरियाणा के नौजवान अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे सैनिक हैं, हरियाणा के नौजवान चित्ते जैसे लड़के हैं। तो अब भोले के भक्तों को इकट्ठा करके, कावड़ियों को इकट्ठा करके नशे के खिलाफ मुहिम चलाओगे, और जो कावड़ियों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है उसके लिए सरकार 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे, क्योंकि उनकी जिस तरह से मौत हुई है उससे हमें लगता है कि कावड़ियों के लिए सरकार को कुछ न कुछ मुआवजे का प्रावधान करना चाहिए। अच्छा नवीन, आपके खिलाफ कुछ अंबाला में असंतोष है, कुछ आवाज़ उठ रही है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, कुछ मतलब गलत है? भाई हम तो भोले के भगत हैं, भोले भाले भाई साहब, भोले के भगत हैं, भोला की मर्जी है, भोला जो करेगा वो भोले के साथ।